नमस्कार मैं और शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव कोरोना संकट के बीच बिहार में बढ़ते आंकड़े के बीच अब राजनीति भी बढ़ती नजर आ रही है और काफी तेज हो गई है बिहार की राजनीति लगातार वार और पलटवार का दौर चल रहा है विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है सरकार से सवाल करता नजर आ रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव पिछले कई दिनों से हर मुद्दे पर कोरोना संक्रमण से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं विपक्ष भी एकजुट हो गया है उपेंद्र कुशवाहा जो कि रालोसपा के मुखिया है उन्होंने भी अनशन पर बैठकर कहीं ना कहीं आक्रोश जताई निराशा जताई क्वारंटीन सेंटर को लेकर जिस तरह से हालिया स्थिति है सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्ष हमलावर है सरकार पर और लगातार सरकार से सवाल किया जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उन्होंने भी अनशन के आ, करके निराशा जताई और सवाल किया कि आखिर मीडिया कर्मियों को क्वारंटीन सेंटर में जाने की इजाज़त क्यों नहीं क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव भी काफ़ी एक्टिव दिखे सरकार से सवाल करते नजर आए और इसके साथ ही पंद्रह साल का हिसाब भी मांगा अब इस बीच लालू परिवार की मुखिया कह सकते हैं राबड़ी देवी भी कूद पड़ी हैं। राबड़ी देवी ने भी अब सरकार से सवाल दाग दिया है उन्होंने भी क्वारंटाइन सेंटर की हालत को बताते हुए ट्वीट किया है ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बिहार के क्वारंटाइन सेंटरों में एक दिन में तीन अप्रवासी मजदूरों की मौत अप्रवासी मर रहे हैं और संवेदनहीन जेडीयू बीजेपी चुनाव की तैयारी में लगी है चौर सुशासनी भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन का बोलबाला है जनप्रतिनिधियों की कहीं कोई अधिकारी सुन नहीं रहा तो राबड़ी देवी ने भी सीधे निशाना साध दिया है एनडीए सरकार पर उन्होंने जेडीयू के साथ साथ बीजेपी के नेताओं को भी अपने लपेटे में ले लिया है और साफ तौर पे कहा है कि चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है अभी भी चुनावी रंजिश की जा रही है जबकि असल मुद्दा कुछ और है क्वारंटीन सेंटरों पर आ, की व्यवस्था चौपट हो चुकी है वहाँ पर देखभाल नहीं की जा रही और जो भी व्यवस्था है वो कुव्यवस्था कही जा सकती है इसके पहले भी राबड़ी देवी ने ट्वीट करके तेजस्वी का समर्थन किया था और सरकार को घेरा था और फिर पंद्रह साल का हिसाब भी मांगा था उन्होंने लिखा था युवा तेजस्वी ने पंद्रह वर्षों की थकाऊ उबाऊ व बिकाऊ बिहार सरकार की नाकामियों को जनहित में इतना प्रखरता से उठाया कि सी बौखला गए हैं इनकी विफलता का आलम यह है कि एनडीए के वरिष्ठ नेताओं के अलावा प्रतिदिन चार चार मंत्री प्रवक्ता से असंसदीय गाली दिलवाते हैं लेकिन तेजस्वी से फिर भी नहीं लड़ पा रहे हैं तो जिस तरह से राबी देवी भी अब एक्टिव मोड में आ गई हैं लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव तेज प्रताप के साथ साथ अब राबड़ी देवी ने भी कमान संभाल लिया है और सरकार पर खूब बरस रही हैं देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत लाइव नमस्कार बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए